नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म संध्या कंप्यूटर क्लासेज पर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, RSCRT सिलेबस में थोड़ा परिवर्तन किया गया है और कुछ एक परिवर्तन के साथ में कुछ नए चैप्टर को भी ऐड किया गया है। तो उसी चैप्टर को ध्यान में रखते हुए आज मैं RSCRT असेसमेंट 2 के रूप में आपके दूसरे टॉपिक को करवाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है कंप्यूटर सिस्टम। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप ऑनलाइन असेसमेंट दे रहे हैं तो इस जो टॉपिक के द्वारा मैं जो आपको यहाँ पे क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ, इससे बार आपका कोई भी क्वेश्चंस आने वाला नहीं है। और मेनली जो कॉम्पिटिटिव आपके जो RSCRT एग्जाम होगा, उस एग्जाम के अंदर यहाँ से हूबहू क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो देर बिना यहाँ पे किए हम आगे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चंस की ओर। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस प्लेटफॉर्म पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आने वाले प्रत्येक असेसमेंट और इम्पोर्टेंट वीडियो की खबर आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे क्वेश्चंस नंबर फर्स्ट से हम शुरुआत करते हैं। कीबोर्ड अधिक कॉम्पैक्ट होते हैं, भाई इसमें ये क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। आपके असेसमेंट को मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, आपको थोड़ा ध्यान में रखना है कि RSCRT असेसमेंट जो आइलैंड के होते हैं ना, उसमें से ये दूसरा चैप्टर है जिसको हम आज यहाँ पे आपके सामने दिखाए रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कीबोर्ड अधिक कॉम्पैक्ट होते हैं, भाई कौन से कीबोर्ड अधिक कॉम्पैक्ट होते हैं? तो आपको याद रखना, अधिक कॉम्पैक्ट कौन से हो जाएंगे, जो लैपटॉप के जो कीबोर्ड होते हैं वो क्या होते हैं, थोड़े अधिक कॉम्पैक्ट होते हैं। ऐसा आइलैंड में आपको क्वेश्चंस देखने को मिले तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, लैपटॉप वाला यहाँ पे आंसर करेंगे। क्वेश्चंस नंबर 2 आपकी स्क्रीन के सामने, एक प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता को मापा जाता है। भाई अच्छा क्वेश्चन है, RSCRT एग्जाम और कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर भी ये कई बार क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली पूछा गया है, तो आपको ध्यान में रखना है कि भाई यहाँ पे जो क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डॉट प्रति इंच होता है। भाई क्या हो जाएगा, डॉट्स पर इंच होता है, यानी ऑप्शंस यहाँ पे जो ए वाला आपको दिखाई दे रहा है ना, ये इसका क्वेश्चंस क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के सामने, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन से भाई, आपको याद रखना है कि ये कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो ये 3 स्टेप होते हैं, एक तो होता है इनपुट, एक होता है आउटपुट, लेकिन इनपुट और आउटपुट के बीच की जो यहाँ पे प्रतिक्रिया होती है वो किस डिवाइस के द्वारा की जाती है, प्रोसेसिंग डिवाइस के द्वारा। इसका मतलब यहाँ पे प्रोसेसिंग डिवाइस का उदाहरण यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, आपका CPU हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ से बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, फ्लॉपी डिस्क है। भाई फ्लॉपी डिस्क क्या होता है, तो मैग्नेटिक डिस्क का उदाहरण है, लेकिन आपको याद रखना है कि इसको क्या बोलेंगे, भाई इसको फ्लेक्सिबल स्टोरेज के रूप में जाना जाता है। फ्लॉपी डिस्क होती है ना, इसको फ्लेक्सिबल स्टोरेज के रूप में जाना जाता है। ये सेकेंडरी मेमोरी का भाग होती है, जो मतलब किसी डेटा को परमानेंटली सेव करके रखती है। आगे बढ़ेंगे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग बनाने के लिए किया जाता है। भाई माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किसके लिए किया जाएगा, तो आपको याद रखना है कंप्यूटर के अंदर इसका उपयोग किया जाता है, या फिर कैलकुलेटर के अंदर, डिजिटल सिस्टम के अंदर, या उपरोक्त सभी। तो आपको याद रखना है कि भाई यहाँ पे जो माइक्रो प्रोसेसर का जो उपयोग है ना, वो कैलकुलेटर में तो नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, कंप्यूटर के अंदर माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, कंप्यूटर के ALU द्वारा आने वाले कमांड पर प्रतिक्रिया करता है। भाई जो कंप्यूटर के ऊपर जो ALU होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, वो आपके कमांड पर प्रतिक्रिया करता है। भाई प्राथमिक मेमोरी, कंट्रोल सेक्शन, कैश मेमोरी या एक्सटर्नल मेमोरी, तो भाई ये कंट्रोल सेक्शन होता है ना, कंट्रोल सेक्शन के अंदर ये कार्य करता है आपका कौन सा, ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये CPU का भाग होता है, आप सभी लोग अवश्य इसको याद रख लेना। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 7, CPU का कार्य नहीं है। भाई CPU का कार्य कौन सा इसमें से नहीं होगा, तो यहाँ पे आइलैंड असेसमेंट के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि लॉजिकल ऑपरेशन करता है, अंक गणितीय गणना करता है, ALU वगैरह, तो इसमें कौन सा नहीं होगा, डेटा स्थानांतरण इसमें नहीं होता, मेमोरी का भाग हो जाता है, तो वो थोड़ा इसमें अलग से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। CPU में कंट्रोल यूनिट का क्या कार्य होता है, भाई CPU होता है उसमें कंट्रोल यूनिट होता है ना, उसका क्या कार्य होता है, तो आपको याद रखना है तार्किक संचालन करना, प्राथमिक इंस्ट्रक्शन को डिकोड करना, प्राथमिक भंडारण में डेटा का स्थानांतरण करना, या प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का भंडारण। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा तार्किक संचालन करना, यानी आपको याद रखना है लॉजिकल जो मैनेजमेंट होता है वो CPU के द्वारा किया जा सकता है कंट्रोल यूनिट पर। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, एक छोटा सा
एक छोटा या बुद्धिमान उपकरण इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें होता है भाई छोटा कंप्यूटर का पूछा जा रहा है, तो छोटे कंप्यूटर को आप क्या बोलेंगे, माइक्रो कंप्यूटर के रूप में जानेंगे। आपके असेसमेंट में क्वेश्चन आएगा तो आप इसका करेक्ट आंसर क्या करेंगे, माइक्रो कंप्यूटर, यहां से इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे भाई नेक्स्ट, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क है भाई, कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क तो किसे कहा जाता है, सीपीयू को। लेकिन आपको याद रखना है कि जो सीयू होता है ना, इसमें एक प्रोसेसर होता है, क्या होता है भाई, प्रोसेसर होता है। तो जो प्रोसेसर होता है ना, इसे क्या बोला जाता है, तो इसको कहा जाता है प्रोसेसर को हार्ट ऑफ कंप्यूटर। प्रोसेसर को क्या बोला जाता है भाई, हार्ट ऑफ कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है प्रोसेसर को। और यहाँ पे बात हो रही है मस्तिष्क यानी माइंड ऑफ कंप्यूटर, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे बोलेंगे आप लोग, सीपीयू को बोलेंगे। अच्छा क्वेश्चन था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और आयरलैंड में तो क्वेश्चन से और आपके आएगा। रैम को कहा जाता है भाई, रैम होती है ना, उस रैम के अंदर किसी भी डेटा को क्या किया जा सकता है, तो आपको याद रखना है भाई रैम को कहा जाता है नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज कहा जाएगा क्या, कोर मेमोरी कहा जाएगा क्या, तो यहाँ पे आप बोलेंगे रीड एंड राइट। रीड एंड राइट मेमोरी के रूप में किसको जाना जाता है, रैम। यानी रैम का कार्य होता है रीड करना और उसे राइट करना। अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कंप्यूटर में फीड किए गए डेटा को कहा जाता है भाई, कंप्यूटर के अंदर जो डेटा आप फीड करेंगे, जो एंटर करते हैं, उसे तो इनपुट बोलेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन आई लर्न का क्वेश्चन है, ये आपको आगे सेकंड टॉपिक में देखने को मिलेगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, कंप्यूटर के इतिहास में व्यवहारिक रूप से पहली बार पंच कार्ड का उपयोग किसने किया था भाई, पंच कार्ड का उपयोग जो पहली पीढ़ी के अंदर इनपुट डिवाइस के रूप में इस्तेमाल किया गया था, उस पंच कार्ड का जो आविष्कार या पंच कार्ड का जो निर्माण किसने किया था, आपको याद रखना है डॉक्टर हरमन हॉलोरिथ ने किया था। ये अमेरिका के एक मतलब वैज्ञानिक थे, इन्होंने इसका आविष्कार किया था, किसका भाई, पंच कार्ड का। ये इनपुट डिवाइस के रूप में कीबोर्ड की तरह कार्य करता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन से, निम्न में से कौन सी मेमोरी का आकार सबसे बड़ा होता है भाई, आपके सामने जो मेमोरी होती है ना, इसमें से जो देखो टेराबाइट लिखा हुआ, किलोबाइट लिखा हुआ, गीगाबाइट लिखा हुआ, मेगाबाइट, तो इसमें से तो भाई आपको याद रखना है कि इसमें से तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसमें से तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा टेराबाइट। टीबी होती है ना, वो क्या होती है भाई, 1024 GB का समूह होती है, क्या होती है, 1024 GB का समूह होता है, गीगाबाइट का समूह होता है 1 TB। और वैसे बेसिकली देखें तो ऑल ओवर देखें तो सबसे छोटी इकाई बीट होती है, और सबसे बड़ी इकाई होती है वो जीओबाइट होती है, क्या होती है, सबसे बड़ी इकाई होती है वो जीओबाइट होती है। ये बहुत बड़ी मेमोरी होती है, ये आपको याद रखना है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन से, इनपुट डिवाइस कौन सी होती है भाई, इनपुट डिवाइस इनमें से कौन सी है, तो आपको याद रखना है स्कैनर होता है, माउस होता है, जॉयस्टिक, सभी इनपुट है, तो उपरोक्त सभी, ये भी आपके आईलैंड में क्वेश्चन आएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन से, कैश मेमोरी किसके बीच में बफर के रूप में कार्य करती है भाई, कैश मेमोरी होती है ना, वो किनके बीच बफर के रूप में कार्य करती है, तो आपको याद रखना है कि रैम और सीपीयू के बीच कार्य करती है भाई, किसके बीच में करती है, रैम और सीपीयू का गति बढ़ाने का जो कार्य होता है ना, वो कौन सी मेमोरी के द्वारा किया जा सकता है, कैश मेमोरी के द्वारा किया जा सकता है। आगे देख सकते हैं, लेजर प्रिंटर की गति मापी जाती है भाई, लेजर प्रिंटर होता है ना, उसकी स्पीड किस में मापी जाती है, ppm में मापी जाती है। इसका पूरा नाम क्या होता है, पेज पर मिनट होता है। इसका पूरा नाम पे क्या होता है, पेज पर मिनट होता है, क्योंकि dpi होती है वो तो क्वालिटी मापने वाली इकाई होती है, dpi तो क्या होती है, तो आपको याद रखना है क्वालिटी मापने वाली इकाई का नाम होता है dpi डॉट पर इंच, तो यहाँ पे बेसिकली ppm इसका पूरा नाम हो जाएगा। लाइट पेन क्या है भाई, लाइट पेन होती है ना, वो एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस के रूप में कार्य करती है, ऑप्टिकल आउटपुट नहीं बोलेंगे, ऑप्टिकल इनपुट के रूप में मानी जाती है, तो ये ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस के रूप में मानी जाएगी। कौन सी भाई आपकी, लाइट पेन, क्या हो जाएगी आपका राइट आंसर यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन सर, मेन स्टोरेज को यह भी कहा जाता है भाई, मेन स्टोरेज होता है ना, उसे किस नाम से जानेंगे, तो आपका मेन स्टोरेज होता है उसे मेमोरी के नाम से जान सकते हैं। कंट्रोल यूनिट, सीपीयू, रजिस्टर नहीं बोलेंगे, आपको याद रखना है कि मेन मेमोरी को आप मेमोरी के रूप में जान सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, मुख्य मेमोरी में पृष्ठों की छवियों को रखने के लिए किस स्वैपिंग डिवाइस का उपयोग किया जाता है, तो भाई मुख्य मेमोरी में आप अगर कोई तस्वीर है उनको रखना चाहते हैं तो आप किसका उपयोग करेंगे भाई, आपको याद रखना है यहाँ पे पेजिंग ड्रम का उपयोग करना पड़ेगा। किसका, आप जब भी आप किसी कागज का निर्माण कर रहे हो, तस्वीर को बना रहे हो, तो आपको पेजिंग ड्रम के अंदर ये कार्य करना पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन आपके आईलैंड में दिख जाता है तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पेजिंग ड्रम। यानी इससे बार आपके क्वेश्चन आईलैंड में नहीं दिखने वाले हैं, मैं गारंटी देता हूँ। आगे वाला क्वेश्चन से देखिए, ओएमआर दर्शाता है भाई, ओएमआर क्या होता है, तो आपको याद रखना है ऑप्टिकल
ऑप्टिकल मार्क रीडर भी बोल सकते हैं क्या? हाँ, ऑप्टिकल मार्क रीडर बोल सकते हैं। आयरलैंड में ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन लिखा हुआ है तो हम भी यही बोलते थे एक बार। वैसे तो ऑप्टिकल मार्क रीडर राइट है, लेकिन ऑप्टिकल मार्क रीडर ऑप्शंस में नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। तो रिकॉग्निशन बोलो या रीडर बोलो, बात दोनों क्या होती है? एक ही होती है। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। हार्ड डिस्क ऊपर दोनों ओर से खाली जगह द्वारा लेपित होती है। भाई हार्ड डिस्क होती है ना उसके दोनों ओर से, हार्ड डिस्क होती है ना उसके दोनों ओर से, मतलब किससे ये लेपित होता है? तो आपको याद रखना है भाई यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सभी स्टूडेंट ध्यान से यहाँ पे देखना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि हार्ड डिस्क में मैग्नेटिक मेटेलिक ऑक्साइड होता है। क्या होता है? मैग्नेटिक मेटिकल ऑक्साइड होता है, मैग्नेटिक मेटिकल ऑक्साइड जो हार्ड डिस्क के दोनों परत होती है ना उसमें लिपी जाती है। तो इसमें ऑप्टिकल नहीं बोलेंगे, ऑप्टिकल सीडी डीवीडी वगैरह उसमें होती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल के ऊपर आप नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप आई लर्न के वीडियो सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं जो आपके न्यू पैटर्न यानी न्यू सिलेबस के अंदर क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर आप इन वीडियो को देख के आपके आई लर्न को करेंगे तो निश्चित ही आपको मैं यहाँ पे गारंटी देता हूँ कि आप आई लर्न के अंदर जो भी क्वेश्चंस पाएंगे वो सारे के सारे इस वीडियो के द्वारा ही आपको मिलेंगे। तो इंक जेट भाई क्या होता है? तो इंक जेट तो एक प्रिंटर का उदाहरण है। इंक जेट तो किसका हो जाएगा? प्रिंटर, जो छोटी छोटी बूंदों का छिड़काव करके नोजल का और छोटी छोटी बूंदों का उपयोग करके हेड के ऊपर प्रिंटिंग बनाता है। आगे वाला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की ऑक्जुलरी सहायक सेकेंडरी मेमोरी नहीं है? भाई ऑक्जुलरी बोलो, सहायक बोल दो या सेकेंडरी बोल दो, इसने सब कुछ नाम ले दिया है। तो देखो, हार्ड डिस्क तो होती है बिल्कुल, मैग्नेटिक टेप भी होती है बिल्कुल, फ्लॉपी डिस्क, यानी तीनों तो ये सेकेंडरी के उदाहरण हैं। तो कौन सा नहीं है भाई? रैम, क्योंकि रैम तो किसका उदाहरण होती है? ये भाई रैम तो होती है वो प्राइमरी मेमोरी का उदाहरण होती है। किसकी होती है? प्राइमरी मेमोरी का उदाहरण है। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव स्टोरेज है, भाई हार्ड डिस्क होती है ना, हार्ड डिस्क ड्राइव स्टोरेज क्या है? अस्थाई है क्या? नॉन वॉलेटाइल है क्या? हाँ बिल्कुल, हार्ड डिस्क होती है उसमें लाइट जाने के बाद में भी डेटा बरकरार रहता है, इसलिए हार्ड डिस्क को नॉन वॉलेटाइल बोलेंगे। जबकि आपको याद रखना रैम होती है ना, रैम, इस रैम को वॉलेटाइल मेमोरी कहा जाता है, क्योंकि रैम के अंदर क्या होता है कि लाइट जाने के बाद में संपूर्ण डेटा खो जाता है। इसका मतलब रैम पूरी तरह से लाइट के ऊपर निर्भर होती है, वोल्टेज के ऊपर डिपेंड रहती है, इसलिए रैम को वॉलेटाइल बोलेंगे। बाकी हार्ड डिस्क है ना वो बिना लाइट, यानी लाइट नहीं है ना तो भी इसमें डेटा बरकरार रहता है, उसमें डेटा डिलीट नहीं होता है। आगे वाला क्वेश्चन, थर्मल लेजर इंक जेट प्रिंटर है, भाई ये थर्मल कह सकते हैं, लेजर कह सकते हैं, इंक जेट, ये सब किसके उदाहरण है? तो आपको याद रखना है ये नॉन इंपैक्ट प्रिंटर के उदाहरण है। किसके हो जाएंगे? नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, ऑप्शन नंबर बी है ना, ये इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कौन सा भाग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का व्याख्या करता है और कंट्रोल ऑपरेशन प्रारंभ या आरंभ करता है? अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कौन सा भाग है जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन की व्याख्या करता है और कंट्रोल ऑपरेशन प्रारंभ? तो कंट्रोल यूनिट के द्वारा यह काम होगा। किसके द्वारा किया जाएगा भाई? कंट्रोल यूनिट यानी सीयू होता है ना, सीयू के द्वारा यह वर्क होता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। खाली जगह देखिए आपका अच्छा क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे एक को मिटाना है, बाय द वे मिस्टेक हो जाइए, यानी खाली जगह बीट्स बराबर एक बाइट होता है। तो भाई आपको याद रखना है आठ बीट मिलते हैं ना, आठ बीट का समूह क्या कहलाता है? एक बाइट। यानी आपको याद रखना है आठ बीट होते हैं ना, आठ बीट बराबर क्या होता है? एक बाइट होता है। तो यहाँ से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर बी आठ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस का वैध सेट है? भाई ऐसा कौन सा सेट है जो प्रॉपरली इनपुट के अंदर आएगा? देखो लाइट पेन होती है लेकिन इसके अंदर होता है, लेकिन प्लॉटर तो आउटपुट है, ये तो नहीं होगा इस सारी जगह। ओसीआर होता है लेकिन मॉनिटर नहीं होता है, ये भी नहीं होगा। देखो इसके अंदर होता है, MICR होता है और टच स्क्रीन इनपुट आउटपुट दोनों में आती है, लेकिन इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसमें मिलान हो रहा है ना, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट, स्कैनर, MICR और टच स्क्रीन, यहाँ से ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। EPROM का उपयोग किया जाता है, भाई EPROM का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो आपको याद रखना है ROM के कंटेंट को मिटाने के लिए। ROM के कंटेंट को मिटाते तो हैं, बाकी किसके द्वारा? यूवी किरणों के द्वारा, पराबैंगनी किरणों के द्वारा इस डेटा को मिटाने का काम करती है। और डबल ई आ जाए ना भाई, डबल ई पी आर ओ एम, तो ये क्या कार्य करती है? तो ये इलेक्ट्रिकल यानी बिजली के सिग्नल के द्वारा डेटा को मिटाने का कार्य करती है।
तो आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, वर्चुअल मेमोरी है भाई, वर्चुअल मेमोरी कौन सी होती है, वर्चुअल का मतलब क्या होता है, तो आपको याद रखना है अत्यंत अत्यंत, आपको याद रखना है अत्यंत वृहद मेमोरी, अत्यंत वृहद मेन मेमोरी का भ्रम होता है, यहाँ पे अत्यंत वृहद यानी बहुत बड़ी मेन मेमोरी का भ्रम होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है कि वर्चुअल मेमोरी है ना वो अत्यंत वृहद मेन मेमोरी का भ्रम होता है, केवल भ्रम होता है कि मेन मेमोरी है लेकिन हकीकत में वो सेकेंडरी मेमोरी का ही भाग होता है। आगे नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे कौन सी इकाई अस्थायी रूप से डेटा रखती है, भाई अस्थायी रूप से डेटा किसमें रहता है, अस्थायी, तो अस्थायी तो भाई किसमें रहता है, प्राइमरी जो रैम होती है ना उसमें डेटा कैसे रहता है, अस्थायी रूप से रहता है। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के सामने है और आज इस सेशन का सबसे अंतिम क्वेश्चन, आप सभी को ध्यान रखना है, खाली जगह निश्चित समय अंतराल के बाद रिप्लेस होती है, कौन सी रिप्लेस हो जाएगी निश्चित अंतराल के बाद में, आपको याद रखना है डायनामिक रैम, कौन सी डायनामिक रैम, यानी रैम के दो प्रकार होते हैं स्टैटिक रैम और डायनामिक, स्टैटिक का मतलब इसमें डेटा स्थिर रहता है और डायनामिक का मतलब क्या होता है कुछ समय के बाद में डेटा रिप्रेस होता रहता है। तो ये भी आपके लिए लेके आए थे आपका आइलैंड असेसमेंट टू जिसमें हमने पहला वाला वीडियो देखा है उसको मतलब अच्छे से यूजर ने यहाँ पे मतलब देखा है, तो निश्चित ही स्टूडेंट के डिमांड के आधार पे मैंने ये दूसरा वीडियो डाला है, हम कल या फिर परसों निश्चित ही आपके लिए तीसरे यूनिट का वीडियो भी इस प्रकार से डालेंगे ताकि आपको आइलैंड करने में कोई दिक्कत ना हो। तो मैं आपसे पुनः यहाँ पे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर अभी तक आपने इस प्लेटफॉर्म यानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले मेन एग्जाम और यहाँ पे असेसमेंट की तैयारी जोरदार रूप से यहाँ पे की जा सके, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आपका नॉलेज अच्छा होगा तो आने वाले CET एग्जाम और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे जिसके लिए कंप्यूटर सब्जेक्ट आपकी इस तरह से स्ट्रांग हो जाएगी कि आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको सेशन, अगर सेशन पसंद आया तो कमेंट कीजिए और निश्चित ही आपके लिए हम और भी वीडियो लेके आएंगे, आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। मिलेंगे आपको एक और अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।